हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं थोड़ा तू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ फोर्थ एडिशन रायमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है इस दे विचों यूनिट नंबर 20 कर रहे हैं। सो पहला वाले यूनिट्स आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर तुसी नई वीडियोज़ नूं वॉच किया तो उन्होंने जरूर वॉच करो। इस वीडियो दे विच आपां 20 जिहड़ी यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, 20 नंबर वाली। हाँ जी, तो लास्ट वाली ने जिहड़े कि थर्ड सेमेस्टर दे नूं भी आपां ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस दे विच आई एम गोइंग टू, गोइंग टू हुंदा वी आपां फ्यूचर दे विच की करन जा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर दे विच आपां जो भी कुछ करन जा रहे हैं, आपां ने कोई डिसाइड किया वो आपां ने फ्यूचर दे विच करना, तो उत्थे आपां गोइंग टू लगा लैने आ, ठीक है। जिवें तुसीं सोचे तुसीं कल बाजार जाना, तुसीं ठीक है डिसाइड किया हो तां तुसीं लगा सकदे हो कि आई एम गोइंग टू, ठीक है, भी मैं जा रहा, आई एम गोइंग टू, ठीक है। तो इहदे विच गोइंग टू दे नाल एम, ठीक है, एम आर इज अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट लगता। अगर तुहाडा सबजैक्ट किसी दे नेम ला के है, ही शी इट है, किसी दा नेम ला के, तो इज़ गोइंग टू, ठीक है। जे थर्ड परसन वाले गल करने भी तुसीं कहना भी राम बाजार जा रहा है, ठीक है, जाऊगा तो राम बाजार जाऊगा फ्यूचर के लिए, तो आप लगावेंगे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आए नाल एम लगेगा, आर जदों जाते हैं, ठीक है, वो ही यू दे जा, तुसीं कह सकते भी तुसीं की कल बाजार जा रहे हो, ठीक है, आर यू गोइंग टू मार्केट। फिर गोइंग टू दा लगाना वो अगे जिहड़ा इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट लगना, ठीक है। तो गोइंग टू दा मतलब की है कि आपां फ्यूचर दे विच आपां कुछ कम करन जा रहे हैं, आपां ने कुछ फैसला कुछ डिसाइड किया होया आपां फ्यूचर दे विच करना, तो उत्थे आपां लगाने हुंदे आ गोइंग टू। बाकी तुसीं एग्जाम्पल जरूर रीड आउट करने ने, जिवें क्योंकि कई बार एग्जाम्पल चों ही आ जाता हुंदा, ठीक है। बाकी तुसीं इह कुछ नहीं अपने माइंड च रखना, तुसीं बस इन्ना कि यार रखना कि कुछ अपने डिसाइड किया होया उत्थे आपां गोइंग टू लगाना फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के तुसीं कुछ कम करना उहदे लई। तो एक हुंदा हाँ जी वॉज गोइंग ते वर गोइंग, वॉज गोइंग ते वर गोइंग, ये पास्ट के लिए, मतलब कि वॉज गोइंग ते वर गोइंग ये कदों तुसीं लगाना जदों पास्ट के विच तुसीं कुछ डिसाइड किया सी बट वह नहीं वापरिया, ठीक है, बट वह नहीं वापरिया। जिमें यू कैन से डैट समथिंग वॉज गोइंग टू वी हैपन, जिहड़े कि पास्ट के विच कुछ चीज़ होना सी वापरना सी बट डिडंट हैपन, बट वह चीज़ नहीं वापरी, तो तुसीं की लगाओगे उत्थे वॉज गोइंग टू वर गोइंग टू। हुण वॉज किन नाल लगता, जदों सबजैक्ट अपना ही शी इट ते किसी दा नेम वाला होगा तो आप वॉज लगावेंगे, अगर अपना प्लूरल वाला तो पहला वर लगावेंगे, जिमें यू वोई दे ये प्लूरल ही होंगे ने, ठीक है। जिमें दो नेम होंगे वो भी प्लूरल दे विच होंगे तो उसे आ जाऊगा वर गोइंग टू, ठीक है। एवें इज़ एम आर गोइंग दे विचों भी जदों यू वोई दे ला के दो जने नेम ने ते तुसी वो कोई होर भी है तो उत्थे जिहड़े कि ज़्यादा बन जाएंगे तो उसे लगा जूगा आर गोइंग टू, ठीक है। वॉज वर पास्ट के विच कुछ चीज़ वापरना सी बट वो नहीं वापरिया था वॉज या वर गोइंग टू। हाँ जी 21 जी 20 है यूनिट, इसके सारे पार्ट इंपोर्टेंट ने, फस्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पार्ट इंपोर्टेंट ने, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फस्ट और सैकेंड। हाँ जी ये फस्ट के राइट अ क्वेश्चन विद गोइंग टू फॉर ईच सिचुएशन, कहना हर एक सिचुएशन के क्वेश्चन जिहड़े कि लिखना है कि लिखना गोइंग टू दे नाल, ते गोइंग टू तो पहला आपां इज़ एम आर लगावेंगे अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट, ठीक है। गोइंग टू तो पहला इज़ एम आर लगावेंगे अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट, तो इत्थे वट वेयर हु ए इंटरोगेटिव जिहड़े कि क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव जिहड़े कि वर्ड ने ए सेम एज इट इज़ रहणगे, ठीक है। उस तो बाद इन्हां तो बाद आपां ने इज़ एम आर गोइंग टू तो पहला लगावेंगे अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट। हाँ जी फस्ट है यूअर फ्रेंड हैज़ बोन सम मनी, तुहाडा फ्रेंड कुछ पैसे जिहड़े कि मनी जित चुके आ, यू आस्क कहिंदा उहनूं पुछो। हाँ जी इहदे विच वट तो बाद आपां ने जिहड़े कि गोइंग टू तो पहला, ठीक है, गोइंग टू तो पहला आपां ने इज़ एम आर एक चीज़ लगाउणी है, इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट लगावेंगे, तो इत्थे सबजैक्ट आपां फ्रेंड नाल गल करांगे, यू ला के गल करांगे, तो यू दे नाल की अपना यू जिहड़े कि सबजैक्ट आ, सबजैक्ट दे नाल की लगेगा आर, क्योंकि यू नाल लगता हुंदा आर, तो आपां लगावेंगे वट आर यू गोइंग टू डू विद इट, भी तुसीं फ्यूचर दे विच की करन जा रहे हो। तो जदों गोइंग टू लगाना, ठीक है, फिर यही नहीं सोचना है कि इज़ एम आर लगाया हो तो अपने वर्ब दी फॉर्म नाल इंक फॉर्म लगाने, नहीं,
जो गोइंग टू लग्या होया फिर जी वर्व उन्होंने फस्ट ही रखना ठीक है, जी वर्व यूज़ करोंगे उन्होंने फस्ट रखना। अगे है सैकेंड, यूअर फ्रेंड इज़ गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, तुहाडा फ्रेंड पार्टी कर जा रहा है अज रात को। यू आस्क पुछो वट वेयर, पुछोगे तुसी की पहनोगे, ठीक है भी तुसी की पहनोगे। तो आप यू ला के गल करांगे फ्रेंड दे नाल, तो आप वट तो अपना लग्या होया उस तो बाद, ठीक है आप की लगावांगे अपना सबजैक्ट अपना यू आ, तो यू करके अपना इज एम आर दे विचों लगेगा आर, तो इज एम आर ए स्टार्टिंग दे विचों लगेगा इंटैरोगेटिव वर्ड के नाल लगते, क्योंकि आप पुछ रहे क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन इंटैरोगेटिव जिहड़े सेंटेंसिस दे विच इज एम आर पहला आउंदा हुंदा हैल्पिंग वर्ब ते इंटैरोगेटिव वर्ड भी। वट आर यू गोइंग टू वेयर, भी तुसी की पहनन जा रहे हो, की पहनोगे, गोइंग टू वेयर पिछे इंटैरोगेटिव साइन, ठीक है। अगे थर्ड, थर्ड दे विच है, थर्ड दे विच यूअर फ्रेंड है जस्ट अबाउट अ न्यू टेबल, कहना तुहाडे फ्रेंड ने जिहड़े कि हुणे नवा टेबल खरीदिया। यू आस्क पुछो वेयर पुट इट, वेयर पुट इट, तो आप पुछांगे भी तुसी इहनू कित्थे रखोगे, तो आप वेयर पुछ वेयर लगा के गल कर रहे हैं, ठीक है भी कित्थे रखोगे वेयर, वेयर तो फ्रेंड नू पुछना अपने, तो यू सबजैक्ट रहूगा, तो अपना ये भी आजूगा आर, ठीक इज एम आर दे विचों आर, वेयर आर यू फिर गोइंग, गोइंग टू फिर जिहड़ा अपना है इत्थे पुट इट, ठीक है पिछे इंटैरोगेटिव, ये अपने इंटैरोगेटिव वर्ड दते हुए ने, उस तो बाद अपने हैल्पिंग वर्ब लगाउणी है इज एम आर, ठीक है इन्हां चों इक लगावांगे अकॉर्डिंग टू अपने सबजैक्ट। फ्रेंड नाल गल कर रहे तो यू ला के गल करांगे तो उहदे नाल आर आई जाऊगा, ठीक है फिर गोइंग टू फिर जिहड़ा अगे ऑब्जेक्ट दिता होया वर्ब उही रहणी है फस्ट। अगे है फोर्थ, फोर्थ दे विच यूअर फ्रेंड हैज़ डिसाइडेड टू हैव ए पार्टी, कहना तुहाडे फ्रेंड ने जिहड़े कि डिसाइड किया पार्टी दे लई। यू आस्क पुछो हू इनवाइट, ठीक है पुछांगे हू आर यू गोइंग टू इनवाइट, भी तुसीं किहनूं किहनूं इनवाइट करन जा रहे हो, हू ठीक है फ्रेंड ना यू ला के गल करांगे पुछांगे उन्हूं हू आर यू गोइंग, हू आर यू गोइंग टू इनवाइट, हू आर यू गोइंग टू इनवाइट पिछे इंटैरोगेटिव वर्ड, ठीक है ये हो गया अपना फोर्थ। अगे है सैकेंड पार्ट 20 का सैकेंड, रीड द सिचुएशंस, सिचुएशंस नू रीड करो एंड कंप्लीट द डायलॉग्स, ते डायलॉग्स नू कंप्लीट करो। यूज़ गोइंग टू, गोइंग टू लगाना अपने, गोइंग टू तो पहला अपना इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जैक्ट लगावेंगे, ठीक है उस तो बाद जी अपना वर्ब वगैरह होगी जो ऑब्जेक्ट होगा लिखांगे। यू हैव डिसाइडेड टू क्लीन यूअर रूम दिस मॉर्निंग, कहना तुम डिसाइड किया कि तुम इस मॉर्निंग दे विच अपना रूम है जिहड़ा कि क्लीन करना। फ्रेंड, थोड़ा फ्रेंड पुछता आर यू गोइंग आउट दिस मॉर्निंग, कि तुम इस मॉर्निंग बाहर जाओगे जा रहे हो। यू तुसी आंसर किया नो, तुसी कहा नहीं, क्योंकि तुसी की डिसाइड किया होया कि तुसी रूम नू क्लीन करना है, ठीक है तां तुसी लिखोगे सब्जेक्ट रहोगे तुसी आप खुद रहोगे, तो आई आई नाल जिहड़े कि इज़ एम आर च लगेगा एम, आई एम फिर गोइंग टू फिर की कम करना क्लीन यू द की माई रूम, ठीक है। अगे है सैकेंड, यू अबाउट अ स्वैटर, कहना तुसी स्वैटर खरीदिया बट इट डजंट फिट यू वेरी वैल, बट कहना यह थोड़े ज़्यादा फिट नहीं है। यू हैव डिसाइडेड टू टेक इट बैक, कहना तुम्हें इनू डिसाइड किया कि इनू बै वापस कर दोगे टू द शॉप उस दुकान पर। फ्रेंड, फ्रेंड पूछता थानू डैड स्वैटर इज़ टू बिग फॉर यू, की कहना स्वैटर ज़्यादा बड़ा थोड़े लिए, ठीक है भी थोड़े तो ज्या फिट नहीं है कि ज़्यादा बड़ा, तुम कहो यू आई नो, कहना मैं जानता भी हूँ मैं कि फैसला कर चुकिया कि मैं इनू वापस कर दूंगा आई एम, क्योंकि तुसी खुद आंसर करोगे, जो आंसर खुद करोगे तो आई ला के गल करनी है, ठीक है आई दे नाल की लगेगा एम, आई एम फिर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू सैकेंड, आई एम गोइंग टू टेक इट, बाकी सारे बिचों ही, ठीक है टेक इट, आई एम गोइंग टू टेक इट बैक, बाकी सारा आजूगा बैक टू द शॉप, भी मैं इस शॉप
हफ्ते ही इनू वापस करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक इट बैक, बाकी सारा बिचों ही लैना। बस तुसी गोइंग टू तो पहला सब्जैक्ट इज एम आर लगाना, उस तो पहला अपने देखना सब्जैक्ट, सब्जैक्ट की वो अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर गोइंग टू लगाना, फिर जो वर्ब दिता हो उतों लैके सारा लिख लेना। अगे थर्ड, थर्ड के यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, कहना थानू जॉब ऑफर की है, बट यू हैव डिसाइडेड नॉट एक्सैप्ट इट, बट तुम कहना फैसला कर चुके हो कि तुम इस एक्सैप्ट नहीं करोगे। फ्रेंड, तुहाडा फ्रेंड बोल रहा है, आई हेयर यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, कहना मैं सुनिया कि तुहानू जॉब ऑफर की गई है, यू तुसी आंसर कर रहे हो डैट्स राइट, कहना हाँ ठीक है, बट तुसी की कहोगे भी मैं इनू एक्सैप्ट नहीं करूँगा। तो ये तुसी बट लिखण करके जिहड़े कि सारा सेंटेंस की टोन ही चेंज होगी, ये यह हो गया कि मैं इसनू एक्सैप्ट नहीं करूँगा, ठीक है, बट मैं इसनू एक्सैप्ट नहीं करूँगा। तो जो नैगेटिव सेंस आ गई तो जोड़ा भी तुम अकॉर्डिंग टू जे कि सबजैक्ट के यूज़ किया हो, अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस के इज एम या आर वो ही नॉट आजूगा, ठीक है। हूँ इतने आप आई ला के गल करा तो आप एम दे नॉट लगा देंगे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सैप्ट इट, भी मैं इसनों एक्सैप्ट नहीं करूँगा, नहीं कर जा रहा, ठीक है। गोइंग टू मतलब कि ये चीज़ मैं फ्यूचर के जा रहा या नहीं जा रहा, ठीक है। नॉट लग गया तो नहीं जा रहे, वैसे गोइंग टू मतलब होंगे भी फ्यूचर के ये कर जा रहे हैं, बट आई एम नॉट, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सैप्ट एक्सैप्ट इट, ठीक है, फुल स्टॉप। अगे है फोर्थ, फोर्थ के यू हैव टू फोन सारा, यू हैव टू फोन सारा, कहना तो सानू सारा फोन करना पाया। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, कहना हुण मॉर्निंग है। एंड यू हैव डिसाइडेड टू फोन हर टू नाइट, कहना तुसी डिसाइड किया कि तुसी जिहड़े कि अज रात नूं फोन करना। फ्रेंड, यू हैव फोनड सारा येट, कि तुसी हजे फोन नहीं किया सारा नूं। नो, तुसी आंसर किया कहना नहीं, भी मैं कदों करना, रात नूं करना, ठीक है। तो तुसी लिखोगे आई एम गोइंग टू फोन हर टू नाइट, भी मैं रात नूं फोन करना, ठीक है। आई एम, आई फोर्थ दे विच सब्जैक्ट हो गया, तुसी आंसर करोगे तो आई ला के आई नाल एम, आई एम, फिर गोइंग टू, रात में मैं फोन कर जा रहा, आई एम गोइंग टू, फिर इतों फोन हर टू नाइट, फोन हर टू नाइट। गोइंग टू लिखण तो बाद जिहड़ी वर्ब यूज़ करनी है फस्ट ही यूज़ करनी है, ठीक है। अगे है फिफ्थ, फिफ्थ के है यू आर इन अ रेस्टोरेंट, कहना तुसी रेस्टोरेंट के द फूड इज़ अ फुल, फूड वधिया नहीं है, फुल है। यू हैव डिसाइडेड टू कंप्लेन, कहना तुसी डिसाइड किया कि इसकी शिकायत लगानी है। फ्रेंड, दिस फूड इज़ अ फुल इज़ नॉट इट, कि कहना फूड चंगा नहीं है, ठीक है, मतलब कि आ फुल भयानक कि तेनू नहीं लगता, ठीक है। तुसी बोल रहे हो यस इट इज़ डिसकस्टिंग, कहना हाँ यह डिसकस्टिंग फूड है, ठीक है। तो तुसी की डिसाइड किया, तुसी की करन जा रहे हो कंप्लेन करने, ठीक है। तो तुसी लिखोगे, आंसर करोगे आई ला के आई एम गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू कंप्लेन। ये है फिफ्थ। नेक्स्ट है 20 द थर्ड पार्ट, वट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस सिचुएशनस, कहना इन्होंने सिचुएशन के वापरन जा रहे हैं। यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, जोड़े वर्ड्स ब्रैकेट्स के उन्होंने यूज़ करना। तो उही आप पहला आप सबजैक्ट देखा कि सबजैक्ट की है, सबजैक्ट ऑलरेडी इतने लग्या हुआ इट ही द बोट, ठीक है। उस तो बाद दे ता, अपना सबजैक्ट लग्या हुआ, फिर आपने देखना गोइंग टू तो पहला कि इज़ लगाइए ज एम लगाइए या आर लगाइए, अकॉर्डिंग टू आप सबजैक्ट तिना के एक लगाई जावे। जे ही है तो ही शीट है तो आप ही इज़ लगा लेंगे, आए है तो एम लगा लेंगे, वो ही यू दे है तो आप आर लगा लेंगे, ठीक है। जे किसी का नेम वगैरह जो किसी चीज़ का नाम दिता हो तो आप इज़ लगा लेंगे, फिर उस तो बाद आप गोइंग टू लगा लेंगे, फिर जो अपना वर्ब जो ब्रैकेट्स दिता होने आप लिख लेंगे। There are a lot of black clouds in the sky, कहना स्काई दे विच इत्थे बहुत सारे काले काले बदल ने। रेन आप कहांगे भी शायद हुण मीह पैण जा रहे हैं, भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर दे विच, ठीक है। तो आप लिखांगे इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन। अगे है सैकेंड, इट इज़ 8:30, कहना 8:30 हो चुके ना। टॉम इज़ लिविंग हिज हाउस,
ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਮ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਐਟ ਵਰਕ ਐਟ 8:45 ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 8:45 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਦਾ ਜਰਨੀ ਟੇਕਸ 30 ਮਿੰਟਸ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਸ ਲੈਂਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 8:30 ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੂਗੇ 8:45 'ਤੇ ਬਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੂ ਬੀ ਲੇਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲੇਟ ਇਹ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਚਿਕ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਥਰਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇਨ ਦਾ ਬੋਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਟ ਦੇ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੈ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਥਰੋ ਦਾ ਹੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਿੰਕ ਅਬੀ ਬੋਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਬੋਟ ਬੋਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਨਲੀ ਬੋਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਦਾ ਬੋਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਬੋਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਿੰਕ ਦਾ ਬੋਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਥਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੋਰਥ ਲੂਸੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸ ਆਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲੂਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦਾ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਂਗ ਵੇ ਅਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਰਨ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪਊਗਾ ਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਆਰ ਦੇ ਆਰ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਫੋਰਥ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 20 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਵੋਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੋਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂ ਵੋਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਰ ਆਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਜ਼ ਆਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਫਸਟ ਹੈ ਵੋਈ ਡੈਸ਼ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਦੈਨ ਵੋਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ ਬਾਏ ਕਾਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੋਜ਼ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਜ਼ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਏ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਵੋ ਆਏ ਗੋ ਡੈਸ਼ ਸਮ ਨਿਊ ਕਲੋਥ ਜੈਸਟਰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰੀਦੇ ਬਟ ਆਈ ਵੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡ ਡਿਡੰਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੋਜ਼ ਆਈ ਵੋਜ਼ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਈ ਵੋਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਰਬ ਆਜੂਗੀ ਬਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਵਰਾ ਐਂਡ ਆਈ ਓਲੀਵਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਟੈਨਿਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਬਟ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕੈਂਸਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਹਰਟ ਹੀਜ਼ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਖੇਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਹ ਆਊਗੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੂਰਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਵਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇ, ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਜੇਨ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਈਮੇਲ ਹਰ ਇਨਸੀਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਆਏ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਾਜ਼, ਆਏ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਆਏ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ, ਫੋਰਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਫਥ, ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਦਾ ਏ ਪਾਰਟ, ਵੈਨ ਆਏ ਲਾਸਟ ਸਾ ਟਿਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਟਿਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੀ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਜੋਬ, ਡੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸਟੇ ਵੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਹੀ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟੈਂਸ ਚਾਰਟ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਈ ਇੰਟਰਪਟਡ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਵਟ ਡੈਸ਼ ਯੂ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਵਟ ਯੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਵਰ, ਵਟ ਵਰ ਯੂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਵਟ ਵਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 20 ਯੂਨਿਟ, ਥੈਂਕਸ।